खाते हैं। चिल्ला के ना रो
से ने कहा अब्बास बे शाया गए मारे इदा हुआ जाता नहीं अब दर्द दुनिया में दाद रसना
देखने के बानों ने नफ्स देखी तो शाम में
चिल्लापा है يا
इला प्याम यों निकी अम्मा बात अबा ताल लाख लखी ती किताब एल करी वहुआ स्वपुसा यही वहुरुल हर अउत जिल्ला निकिने शैतान जही वैना लना लल आखिरता वनुगा फायदा उठाते हुए ये अपने आप को कमाल तक पहुंचाए।
उसके साथ साथ दूसरे जानवरों को क्यों फौरन ही वो ताकत अदा करती और इंसान के बच्चे को क्यों वो ताकत अदा करती? क्योंकि दूसरे जानवरों को खुदावंद आलम ने इज्तिमाई नेमत से नहीं नवाजा। इसका बात जानवर है कि खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये सिफत में सिर्फ इंसानों को ही दे सकता हूँ बल्कि जानवरों में भी कई फसला पैदा कर सकता हूँ। ज्यादा उसने चींटियों को शहर की मक्खियों को और उसके बाद जानवर ऐसे हैं जिनको गिरोह गिरोह में वो कर दिया। लेकिन उनके यहाँ वो निजाम वो सिस्टम वो रिश्तेदारियाँ वो जो माशरती जिंदगी होती है उसका कहीं तसव्वुर नहीं पाया जाता। चूंकि खुदावंद आलम को इंसान को एक इज्तिमाई शक्ल देनी थी एक इज्तिमाई मखलूक बनानी थी लिहाजा उसने शुरू से ही उसे कई लोगों से वाबस्ता करा दिया। ये अपनी माँ का मोहताज है, ये अपने बाप का मोहताज है, ये अपने माशरे के दूसरे अफराद का मोहताज है। जितना जितना ये मोहताज होता है हम ये समझते हैं कि इसकी कमजोरी है और हकीकत ये है कि ये माशरे की तकवीयत का मोहताज है। अगर ये चीज ना होती तो इंसान का बच्चा भी पैदा होता और अपने माँ बाप से जुदा हो जाता, ना उसके माँ से कोई रब्ता होता, ना कोई बाप से रब्ता होता, ना बहनों को उसकी ना कोई बाप होता, वो अपनी जिंदगी का आगाज कर लेता। इंसान फिर इज्तिमाई जो माशरा तश्कील देता है उसका कहीं ना होता। तो खुदावंद आलम ने इंसान को कमजोर खत किया ताकि ये माशरे की तश्कील दे सके। और जब माशरे की तश्कील है जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यहाँ पे चूंकि कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ दुश्वारियां आएंगी, कुछ मुसीबतें आएंगी, कुछ मुश्किल आएंगी, तो उसके लिए जरूरी है कि कोई हिदायत करने वाला हो। लिहाजा खुदावंद आलम ने जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की कि इन्ना अलैना लहुदा, हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है। ये जिम्मेदारी हमने किसी को नहीं दी है क्योंकि अगर हम किसी और को जिम्मेदारी दे देते तो जिस तरीके से वो गजाई अशिया पर काबिज हो जाता है फिर राशन कार्ड बांटने पड़ते हैं, इसी तरीके से ये हिदायत के लिए भी इसी तरीके का मामला पेश आता है। लिहाजा हिदायत की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ली है। किस तरीके से ली है कि उसने पहला इंसान जो दुनिया में खल किया वो रहनुमा बनाकर भेजा ताकि कोई ये न सके, कोई ये न कह सके कि रास्ता देखने वाले तो थे, हिदायत पाने वाले तो थे, लेकिन कोई हिदायत देने वाला क्योंकि जिम्मेदारी खुदा की है। अब खुदा के कामों में कोई एतराज गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लिहाजा उसने पहला इंसान जो खल किया वो रहनुमा बनाकर भेजा अपने आदत में। दुनिया में पैदा हो जाए और वो बेहिदायत रह जाए तो आखिर तक भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान रहे और रहनुमा ना हो। ज्यादा हमारी सबसे बड़ी दलील जो इमाम जमाना पर है वो यही है, यही आयत है कि इन्ना अलैना लहुदा, हिदायत की जिम्मेदारी खुदावंद आलम ने ली है। जब पहले मरहले में उसने किसी को बगैर रहनुमाई के नहीं भेजा, रहनुमा बनाकर भेजा, तो आखिर में कैसे वो छोड़ सकता है? और इसकी तरफ खुदावंद आलम ने खुद इशारा कर दिया कि इन्ना लना लल आखिरत वल उला, हमारे पास आखिरत का भी अख्तियार है बल्कि आखिरत को मुकद्दम किया। खुदा ये कह सकता था कि मेरे पास अव्वल का भी अख्तियार है और आखिर का भी है, नहीं, जो शुबहा इंसान के जहन में पैदा हो कि आखिर में क्या होगा, तो खुदावंद आलम ने कहा नहीं, आखिर का अख्तियार भी मेरे पास है जैसा कि पहले अख्तियार था मेरे पास। लिहाजा इमाम हमारा मौजूद है, रहनुमा हमारा मौजूद। अब जाहिर सी बात है हिदायत की खुदावंद आलम ने दो तरीके नहीं रखी। एक हिदायत को इस्तेलाह में हम तकवीनी हिदायत कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उनको सीख जाता है। इंसान को सांस लेना है वो खुद ब खुद जैसी दुनिया में आएगा सांस लेना वो सीख जाएगा। उनको पहले ही जो उसकी बात होगी इस एटमॉस्फेयर से तो उसमें सांस लेना सीख
ठीक रहेगा। फिर बहुत इंसान का जिस्म नशोनुमा पाता रहेगा, जो उसकी जिंदगी के तकाजे हैं, अगर उसमें कोई रुकावट ना आए तो किसी भी जानदार का जिस्म नशोनुमा खुद बहुत पाता रहेगा। यानी एक बच्चा है वो जवान होगा, जवानी से बुढ़ापे की तरफ खुद बहुत रवाना होगा, इसको ना कोई रोक सकता है ना इसको खत्म कर सकता है। देर और जल्दी हो सकती है, ताखीर भी हो सकती है, हो सकता है कुछ दवाएं कुछ ऐसी चीजें गजाएं ऐसी हो जो इंसान को बचपने की हद में ज्यादा देर रख ले या जल्दी से बचपने को आगे बढ़ा दे, जवानी को ज्यादा देर बाकी रखे या जवानी को जल्दी खत्म कर दे, ये चीजें तो हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक इंसान हमेशा हमेशा जो है वो बच्चा ही रहे, नहीं। ये तकनीकी हिदायत है, तकनीकी निजाम है कि ये इंसान हो बहुत आगे बढ़ता है। बच्चा है, बचपन गुजरेगा, जवानी आएगी, जवानी से फिर बुढ़ापा आएगा और उसके बाद जो रोग वायर है उस वक्त वो खुदा के पास बुला लिया जाए। ये एक तरह की हिदायत, इसमें किसी का कोई इख्तियार ज्यादा नहीं चलता, अगर चलता है तो बेइज्जत ला चलता है। अगर खुदा चाहे किसी को इजाजत दे दे तो वहां पर यह मरला हम हो सकता है, हो सकता है खुदा आलम किसी को इजाजत दे दे और वो इतनी लंबी उम्र उसकी हो कि दुनिया दादियों करने लगे, इतनी लंबी उम्र अदा कर दे, इतनी जवानी अदा कर दे कि दुनिया दादियों करने लगे, जैसे कि हमारे अजीब बात है, बात लोग इमाम की इस तूलानी उम्र पर एतराज करते हैं, ताज्जुब करते हैं कि कैसे होगा, और जब वो किसी गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं और उसे पूछा जाए भाई ये ऐसा क्यों हो गया, तेरे शैतान ने बहका दिया, यानी शैतान की हयात के कायल है, रहमान के नुमाइंदे की हयात के कायल नहीं है। शैतानी मिजाज देखिए कितना हमारंग है कि शैतान की हयात अबदी से समझे कि शुरू से है और जब तक इंसानियत रहेगी तब तक वो रहेगा, इतनी तूलानी उम्र के कायल है और ईमान की हजार बारह सौ साल की उम्र के कायल है। ये प्रवाद हाल ने मिसालें दुनिया में पेश कर दी है। उसके बाद कुरान में मौजूद है, जनाब यूनुस जब मछली के पेट में चले गए तो खुदावंद आलम ने कुरान में आयत नाजिल की कि यूसुफ ए यूनुस अगर तुम तस्बीह गुजारों में से न होते तो मैं कयामत तक तुम्हें मछली के पेट में रखता। अगर तुम तस्बीह गुजारों में न होते, यहां से एक बात पता चली कि बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी जंजीरों से रिहाई तस्बीह की वजह से मिल सकती है। अगर इंसान तस्बीह गुजारों में हो तो बहुत सी मुश्किलात से आजादी मिल सकती है। खुदा ये कह रहा है कि यूनुस अगर तुम तस्बीह गुजारों में न होते तो मैं तुम्हें कयामत तक मछली के पेट में रखता। पेट में रखने का मतलब ये नहीं कि हस्म हो जाते, अगर उनकी खाल खत्म हो जाती है, अगर उनका जिस्म गल सड़ जाता तो ये रखने के माने में नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि हजरत यूनुस अपनी पूरी इंसानी जिंदगी के तकाजों के साथ मछली के पेट में जिंदगी गुजारते। ये तस्वीर करने का नतीजा है, यानी ये जिंदगी खुदा आलम वादा कर रहा है। जब खुदा आलम वादा कर रहा है कि हम एक इंसान को ऐसी जिंदगी दे सकते हैं तो फिर ईमान को अगर उसने इतनी जिंदगी दी है तो फिर दादू की क्या बात, दादू की बात। तो एक हिदायत तो ये होती है जो तकवीनी होती है, दूसरी हिदायत तशरीही होती है कि एक इंसान को इल्म की जरूरत है। अब इल्म जब तक वो हासिल नहीं करेगा तब तक वो आलिम नहीं बन सकता। जिस जिस शोबे में, जिस जिस मैदान में, जिस जिस जगह की उसको इल्म की जरूरत है, उस इल्म को उसे आगे बढ़कर हासिल करना पड़ेगा, उसको कोशिश करनी पड़ेगी।
जब वो चीजें वो खुद आगे बढ़कर हासिल करेगा तब उसको मिलेगी, वरना वो नहीं। आप खुदावंद आलम में हर्ज करता हूं हमेशा के खुदावंद आलम ने जो भी कानून बनाए हैं उसका इस्तेस्ना जरूर रखा है, एक्सेप्शंस है उसके। वो इस वजह से है कि कोई ये गुमान न कर ले कि खुदा पैसा तो कर ही नहीं सकता था, लिहाजा एक कानून बनाया कुल्ली कानून जो आम तौर से वही कानून है, लेकिन कुछ चीजें उसमें से हटाकर नमूने पेश कर दिए कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी तरीके से खल करना जानता ही नहीं हूं या मेरे कब्जे कुदरत में ऐसी चीज नहीं है, नहीं उसको वो बनाकर पेश कर देता है। लिहाजा बहुत सी ऐसी उसने शख्सियात पैदा की जो पैदा होते ही जब रसूल की आगोश में आए तो कुरान भी पढ़ा, तौरात भी पढ़ी, ज़बूर भी तिलावत की, इंजील भी तिलावत की, ताकि बता दिया कि बगैर पढ़े भी ये हासिल हो सकता है, लेकिन कब, जब मेरी मर्जी खरीदने वाला मुझसे पहले की मजालिस में उन्होंने आपसे काफी नारे लगवा लिए हैं, लिहाजा मैं आपको ज्यादा सहमत नहीं दूंगा, सिर्फ सलवार की सहमत कैंट करवा। तो ये हिदायत जो है वो तशरीही हिदायत होती है कि जब इंसान खुद उस मैदान में आगे बढ़े, और यही वो मरहला है जो आज के मुसलमान की जरूरत है। इस हिदायत को, इस मकाम और मंजिलत को इंसान को हासिल करना है। आज दुनिया में मुसलमान, अब दुनिया को अगर आप छोड़ दें तो कम से कम हिंदुस्तान क्या होगा, दुनिया में क्या हो रहा है ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान की हद तक मुसलमान की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। अगर से अभी जो तरक्की याफ्ता का है नुमाया अंजाम पा रहे हैं उसमें भी मुसलमानों की शिरकत है। अभी चंद्रयान 3 जो गया तो उसमें एलिमेंट का जानने वाला भी है, इस्लाम के मानने वाले भी हैं, और दूसरे मजाहब के हिंदुस्तानी भी उसमें मौजूद है। ये एक इत्तेहाद है, लेकिन ये इत्तेहाद मैंने अर्ज किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो खुदावंद आलम ने कानून बनाया है कि उसके जरिए से हासिल हो सकती है, लेकिन कुछ नमूने उसने अलग से पैदा किए हैं ताकि कोई ये एहसास न कर सके कि खुदा ऐसा कर नहीं सकता। खुदावंद आलम ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का वाक्य है, क्यों भेजा है, फिर खुदा को कुछ दिखाना था तो जैसे कुरान नाजिल कर दिया पैगंबर पर, वो वहां की मालूमात फराहम कर देता, वहां ले जाने की क्या जरूरत, ये वाक्य इस्लाम में आया ही क्यों। लेकिन आज महसूस हो रहा है कि नहीं, ये वाक्य अगर ना होता तो दूसरे ये कहते कि भाई तुमको जमीन ही पर थे, लेकिन कुरान ने अल्लाह ने पहले एहतमाम किया और ये कह दिया कि वो खुदावंद आलम है जो मस्जिद अक्सा से उसे ले जाता है, मस्जिद अहराम से मस्जिद अक्सा ले जाता है और वहां से मेराज पे ले जाता है। और एक शायर ने कौसर बैराजी में छोटा सा था, मैंने ये जान से सुने थे कि कौसर बैराजी उसको कहते थे कि पहुंचकर चांद पर इंसान बहुत इतराया जाता है, पहुंचकर चांद पर इंसान बहुत इतराया जाता है, तसव्वुर चांद से आगे भी उसका पाया जाता है, तसव्वुर चांद से आगे भी उसका पाया जाता है, मगर इंसान सबक सीखे अभी मेराज की छत से, मगर इंसान सबक सीखे अभी मेराज की छत से, जहां बंदे को बेकैदे सबक ले जाए।
दुनिया भर के सैटेलाइट जाते हैं, हिंदुस्तान का भी कहते हैं ये चंद्रयान भी गया, लेकिन 40 दिन में पहुंचा और चांद तक गया। अभी बहुत आगे दुनिया, अभी दुनिया चांद पे दम नहीं लिए, अभी बहुत आगे है। अभी इंसान अंदाजा ही नहीं लगा पाया है कि आखिरी छोर जो है वह है कहां। और खुदा ने आलम पैगंबर अकरम को, अपने हबीब को बेकैद सफर, यदि कोई वक्त नहीं गुजरा उसमें, 40 दिन का टाइम नहीं लगा, 40 घंटे का टाइम नहीं लगा, 40 मिनट का टाइम नहीं लगा, 40 सेकंड का टाइम नहीं लगा, जंजीरें दर हिलती रही, पानी बहता रहा, रसूल मेराज पर गए, पूरी कायनात का मुआयना किया, जो हिदायत अल्लाह को अपने हबीब के हवाले करनी थी वो अल्लाह ने उठाव जाप दिया, वहां पर किसी की आवाज में वो सारी चीजें पैगंबर के पास आ गई, उसके बाद वो वहां से वापस भी आ गए, लेकिन ये जंजीरें दर हिलती रही, एक लम्हा भी नहीं लगा। तो ये जो किस्से हैं, ये जो दुनिया की तरक्की है, इस्लाम में जो ये वाकयात हैं, इनको मिला के देखिए कि इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान उस दर्जे तक पहुंचे, मुसलमान उस दर्जे तक पहुंचे जो उसके पैगंबर पहुंच चुके हैं। मैं दूसरी तकारीर में और दूसरी मजालिस में भी अर्ज कर चुका हूं कि खुदा ने आलम ने कुरान में यहां तक कह दिया है कि सखरा लकुम मा फिस समावात व मा फिल अर्ध, जो कुछ भी जमीनों और आसमानों में है मैंने तुम्हारे लिए उसकी तस्दीक कर दी है। तस्दीक करने का मतलब यह है कि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ले लिया, जैसे यहां से बैठे बैठे आप वहां चार पर उस भेजे हुए अपने सिस्टम को चला रहे हैं, इसी तरीके से खुदावंद आलम ने पूरी मा फिस समावात व मा फिल अर्ध, जो कुछ भी आसमानों में है, आसमान में नहीं आसमानों में, समावाद का लफ्ज़ है, समावाद जमा का सीधा, जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है उन सब की तस्दीक कर दी है, यानी आपके हाथ में ले लिया है। आप चाहे तो सूरज को, लेकिन कौन, अगर ये भी वही वाकया था कि सूरज को पलटाने की क्या जरूरत थी, अगर खुदा रब्बुल आलम को और कायनात की रसूलुल्लाह की नमाज को पता नहीं करना था तो सूरज को उसी वक्त रोक देता, दिन बढ़ता था जब उठ जाते तो सूरज आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं, इशारा करो सूरज पड़ते ताकि आने वाली दुनिया अगर किसी वक्त सूरज पर पहुंच जाए या सूरज को हिलाने लगे तो वो ये न कहे ये काम हमने ही किया है, ये काम पहले हो चुका, मुसलमान कह चुके, रहमत मुसलमान इसको अंजाम दे चुके। दुनिया वालों के सामने ये बात आनी चाहिए। आज चांद पर जाकर अगर इंसान ने वहां पर कदम टेक दिए हैं तो उसे पता होना चाहिए कि अल्लाह का एक नबी ऐसा था कि जिसने इशारा किया था तो वहीं से चांद के दो टुकड़े हो गए थे। हमारे तो जो सैटेलाइट भेजते हैं उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसने वहीं से बैठे बैठे, यानी इसका मतलब यह है कि इन वाकयात को सुन के हमारे जहन में, हमारे नौजवान के जहन में ये बात आनी चाहिए कि यहां से बैठे बैठे चांद के टुकड़े किए जा सकते हैं। अगर उस मरहले पर हम पहुंच जाएंगे तो हम हकीकी मुसलमान हैं। फिर कोई ये नहीं कह सकेगा हिंदुस्तान का मुसलमान जाहिल है, ये कोई नहीं कह सकता कि मुसलमान जो है पसमानदा है, फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मुसलमानों के पास दिमाग खाने पीने के और कोई काम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। हमें कुरानी मतालिब और नहजुल बलागा और जो हमारी हदीसें मौजूद है उनका मुतालिया करने के बाद इन चीजों को दुनिया वालों के सामने पेश करना होगा। वरना होता क्या है कि कोई भी काम हुआ, साइंस की कोई इजाद नहीं हमारे सामने आई, दूसरे दिन एक हफ्ते पर बाद महीने पर बाद यह आ जाता है ऐसे कि ये तो हमारे पास पहले से मौजूद है, इस्लाम में तो पहले से कुरान में लिखी पहले से मौजूद है, अरे तो कुरान में मौजूद है तो उसको लेकर आइए ना पहले,
दुनिया वाले देखे तो कि आपके कुरान में क्या है, जब दुनिया वाले ये देख लेंगे कि कुरान में इस तरह की चीजें हैं तो फिर उसको जलाने की हिम्मत नहीं करेंगे, फिर उसकी तौहीन में नहीं करेगा, फिर कोई डेनमार्क में और स्वीडन में कुरान की तौहीन नहीं की जाएगी। लेकिन कुरान के मुताबिक हमने देश नहीं किए, जैसा कि आप पहले भी सुन चुके कि जो दिल्ली के लिए किताब आई थी हमने उसको कमरों में पढ़ने के लिए रख लिया, और उन्हें जितनी कम कीमत में आज कुरान की कीमत देते हैं, कहते हैं वो मदरसे में कुरान पढ़वा दीजिएगा और हम तक तो भिजवा देंगे, आधा किलो चले गए। यानी कुरान की तिलावत और आधा किलो, यानी आपकी नजर में कुरान की अहमियत है क्या, जिसमें ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि आप सूरत को पढ़ा सकते हैं, आप चांद के तो टुकड़े कर सकते हैं, आप इन फिजाओं से निकलकर दूसरे आसमानों में जा सकते हैं। भाई आपने सुना होगा कि हजरत ईसा अलैहि सलाम कौन से आसमान पर है, चौथे आसमान पर है, नहीं है तो इसका मतलब चौथा आसमान है वहां पर जिंदगी है, हजरत ईसा जिंदगी कर रहे। जाहिर सी बात है कि हजरत ईसा को जो अल्लाह के नबी है उलुल अज़्म पैगंबर है, उन्होंने ऐसे ही तो नहीं अंधेरे में ले जाकर डाल दिया होगा कि हम भटकते रहो। कुछ हाजिर वाले असहाब जानने वाले रिश्तेदार नातेदार वहां पे रखे होंगे, नहीं रखे होंगे। इसका मतलब कुरान के इस जुमले से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर है, एक मुसलमान के जहन में ये बात आनी चाहिए कि चौथा आसमान है कहां, हम जाके हजरत ईसा की जिंदगी देख के आते। जब इस विजन के साथ आप जिंदगी गुजारेंगे तब असली में मुसलमान कहलाएंगे, तब ये कहना है कि हाँ ये आदि वाले हैं जिसने ये कहा था कि मैं आसमान के रास्तों को जमीन से के रास्तों से ज्यादा जानता हूं, तब ये बात कही जाए। और इसीलिए खुदावंद आलम ने हिदायत वालों को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हाजी बनाकर ले जाओ, खुदावंद आलम ने कुरान में कहा है कि चाहे हमारे पास उसकी दलीलें हो, मिसालें हो, या तारीख है हमारे इस तरह के नाम हमारे पास मौजूद हो या ना हो, लेकिन कुरान ये कह रहा है कि हमने हर कौम को हर जिले के लिए हर इलाके के लिए हाजी भेजा, लेकिन कौमें हाँ हमने हर कौम के लिए हाजी भेजा। तो जब हर कौम के लिए हाजी भेजा है तो हजरत मूसा ने जरा कुछ जरा भी अपने जमाने के हाजी थे। हिदायत की जरूरत हर इंसान को है और हिदायत के लिए एक आदमी भी काफी नहीं होता, बल्कि फकत नबी ही काफी नहीं होता। उसको कुरान में मौजूद है हजरत मूसा ने सलाम से जब ये हुक्म ये खुदा ने हुक्म दिया कि जाए फिरौन की हिदायत कीजिए, उसने बगावत रखिए सर उठा रखा है, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने क्या दुआ की कि परवरदिगार मेरे भाई को मेरा साथी बना दे, मेरा वजीर बना दे। और खुदावंद आलम ने जनाब हारून को जनाब मूसा का जो उनके भाई थे उनका नबी बनाया, वसी बनाया, वजीर बनाया। लेकिन रसूल के जमाने तक आते आते ये इंकलाब आ गया कि लोग ये कहने लगे कि नहीं हमें हमारे लिए किताब ही काफी है, हमें वजीर की जरूरत नहीं। खुद हजरत मूसा नबी है, यानी नबूवत भी एक वजीर का इंतजार कर रही है, अल्लाह से दुआ मांग रही है कि मेरे लिए साथी दे। अब ज़ादतुल अशीरा में भी जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वजीर को बुला लिया, वो इसीलिए किया कि फकत और फकत नबूवत हिदायत के लिए काम मुकम्मल नहीं है, उसे एक वजीर की जरूरत है। लिहाजा ज़ादतुल अशीरा सजाई गई और उसमें ये कहा गया कि आज जो मेरी हिमायत का ऐलान करेगा वो मेरा वजीर होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरे बाप और मेरे साथ रहने वाला वो होगा, और मैं उसे दोस्त रखता होगा और मेरा खुदा उसे दोस्त रखता होगा। ये चीजें एक हाजी के लिए आई। अब ये पूरी दुनिया में हिदायत करने वाले हैं, जहां हिदायत हो रही है वहां पे गुमराह करने वाले भी मौजूद हैं। और इंसान की हैसियत और शक्ल ये है,
कि ये बड़ी जल्दी फिसल जाता है। जो वाकयात आप आज के दौर में देख रहे हैं नहजुल बलागा में पूरे के पूरे वैसे ही लिखे हुए कि किस तरीके से इंसान चौथे हुए सूरज की परस्तिश करता है। आप इस सभा भेजे तो मैं मौलाए कायनात से जवाब दे रहा हूं। चल रहा है बड़े बड़े बड़ी बड़ी ऊंचाइयों से फिसले जा रहे हैं और अपनी भी जिल्लत का सबब बन रहे हैं और कौम की जिल्लत का भी सबब बन रहे हैं। खुतबा नंबर 173 मौलाए कायनात से मुताल्लिक की किताब है, उनके खुतबों का मजमूआ है जिसे नहजुल बलागा कहते हैं। मैं किताब इसलिए लेकर आया हूं कि सब लोग उसी से मुसद्दका तौर पर कहते हैं समझने की चीज में है। इशारा फरमा रहे हैं अय्युहल गाफिलून, ऐ गाफिलों, गैरत मफूम, तुम गाफिल हो लेकिन तुम्हें बुलाया नहीं गया है। यानी अगर कोई इंसान ये समझ ले कि मैं जो कुछ कर रहा हूं बस सही कर रहा हूं, इससे कुछ लेना देना नहीं है, नहीं, वो देख रहा है। तुमसे कोई गाफिल नहीं है, तुम गाफिल हो लेकिन तुमसे कोई गाफिल नहीं है। गैर मफूर हूं बताने कून महफूज मिन हूं, और रास्ता छोड़ देने वाले कि जिनको खुद को नहीं छोड़ा जाएगा। यदि तुम गाफिल हो लेकिन तुमसे गाफिल नहीं है, तुम रास्ता छोड़कर जा रहे हो लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। क्या है मामला? मारियारा को माहिबीन, तुम्हें इस हालत में देखता हूं, मुझे ताज्जुब है जब मैं तुम्हें इस हालत में देखता हूं कि तुम अल्लाह से दूर होते जा रहे हो, अल्लाह से दूर होते जा रहे हो और दूसरों की तरफ शौक से बढ़ रहे हो। मान लिया, ये क्या हो गया है तुम्हें? मुझे ताज्जुब है, खराब हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, अनिल्लाह ज़ाहिरीन, तुम अल्लाह के रास्ते से भाग रहे हो। वल्ला गैरे ही ज़ाहिरीन, और तुम दूसरों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। कअन्नकुम नअमू, ऐसा है जैसे तुम उस ऊंट की तरह हो गए हो कि अरा हमेहा साइमुन इला मरा, कि उसे चरवाहा उसे चराने वाला उसे एक भला का अंगेज चरागाह में लिए जा रहा है। इधर निकल निकल के जा रहे हैं ना, ये किधर जा रहे हैं? हलाकत की तरफ जा रहे हैं, ये सब के सब हलाकत की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह ने नाम नहीं लिया कि फला साहब फला साहब फला साहब, मारा कहना से नाम नहीं लिया, तस्वीर दे दी कि तुम उस ऊन की तरीके से हो जिसे एक चरवाहा लेके जाता है। कहां पर? ऐसी चरागाह में जहां पर तुम क्या करोगे? हलाक हो जाओ। ना उन अरा हबे हासाइमुन इदा मरा वबी व मशरबिन दबीर इन्नम हिया कल मतूफा, और उन्हें एक हलाक करने वाली चरागाह की तरफ और तबाह करने वाले घाट पर ले जा रहा है, उस की तरफ के उस होट जो तुम्हें ले जाया जा रहा। उसके बाद में फरमा रहे हैं कि हिया कर मालूफते लिल मुदा, जब इंसान किसी जानवर को दिमाग करता है अगर उसके अंदर इंसानियत पाई जाए तो पहले उसे क्या करता है? चारा खिलाता है। आप जब कुर्बानी के लिए जानवर लाते हैं तो शायद उसे जिंदगी में उतने अच्छे खाने ना मिले हो, वो दो तीन दिन में आपके यहाँ मिल जाते हैं, चने हैं, रोटी है, और बहुत से लोग मिठाई खिलाते हैं, बहुत से लोग दूध पिलाते हैं, सब कुछ खिलाया जाता है। मौलाना कहना बड़ी अच्छी तस्वीर दे रहे हैं कि ये जो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहे हैं लेके जा रहे हैं, ये वो तुम्हें खुद वैसा जानवर समझ रहे हैं जो दिबा करने के लिए ले जाया जा रहा है, उसको चारा दिया जा रहा है। अगर तुम्हें कोई दोस्त मिल रही है, अगर तुम्हें कोई मकान दिया जा रहा है उस तरफ से, तो ये समझ लो ये वो चारा है जो दिहा करने से पहले जानवर को दिया जाता है।
बढ़िया कर मरू फते मुदा बला तार को मादा इरा और तुम्हें उस जानवर को क्या पता होता है कि मुझे नाच नहीं खिलाया मालिक कहते ना तारे को तुम्हें पता नहीं होता कि मादा इरा उसका इरादा क्या है वो तुम्हें कोई अच्छा देखना चाहता है वो तुम्हें ले जाकर तबाह कर देगा इजा को हसना इरेहा तासबो यौमहा जब वो लोग इन्हें कोई पोस्ट और मकाम देते हैं इनके साथ अच्छाई करते हैं तो वो क्या समझते हैं कि यही दिन मेरी पूरी जिंदगी है ये दिन ज्यादा रहने वाले नहीं होते इंसान ये समझता है कि आज मुझे मंत्री बना दिया गया तो इसका मतलब मेरी पूरी जिंदगी मंत्री उसमें गुजरेगी नहीं मंत्री से उस पौधे से वही पार्टी नीचे उतारने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती है दूसरी पार्टियों को तो छोड़ दीजिए दूसरे हालात को छोड़ दीजिए वही पार्टी मंत्री पद से नीचे उतारने के लिए उसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं होती है एक बयान इंसानियत का आप दे दीजिए दूसरे दिन से मंत्रियत आके खड़ा एक दिन अपनी जमीन की आवाज पे लंबे कह दीजिए आपका औहदा खत्म हो जाएगा जब तक मरूफा वो जानवर बने रहेंगे तब तक है वो गजा आपके लिए वो चाह आपके लिए वो चाहे नकवी हो चाहे जिंदगी हो चाहे क्या नाम है आप दी हो मतलब कोई नहीं है खुदाई बात याद है कि पैदा कर दो खास से उन्होंने सुने में ये बात याद है वो इस्लाम को ना कर रहा होगा अपना ये है और उसको तो मार देना चाहिए होता है ना नौजवानी में कहते हैं जज्बाती कहते हैं वो होते नहीं ऐसे लोगों को मारा नहीं जाता है ऐसे लोगों को बाकी रखा जाता है क्यों क्योंकि आज मैं एक और वाकई सी ब्रैकेट में एक ब्रैकेट और बोलूं एक बहुत बड़े दानिश्वर थे उस बात एरिया को औरतों के लिए बहुत ज्यादा कहते हैं बेहतरीन बात नहीं उनकी एरिया उनकी पिटाई करती थी दानिश्वर थे आलिम थे और सैकड़ों शागिर्द थे उनके उनकी अहलिया उनकी बीवी जो है अहलिया साहब हो जाए मैं बीवी पे आ रही हूँ उनकी बीवी जो है उनकी पिटाई करती शागिर्दों को इसकी खबर मिल गई शागिर्दों ने कहा कि भाई हुजूर ऐसा है कि हमारी भी बीवियां हैं अगर आप इजाजत दें तो हम इनके दिमाग ठिकाने लगा दें हम लोग तो जा नहीं सकते लेकिन हमारी बीवियों को भेज देंगे और वो जाके ठिकाने लगा देंगे इनका दिमाग धोखा नहीं देंगे ऐसा मत करो क्यों क्या उसकी वजह यह है कि अभी मुझे पता है कि अल्लाह मेरा इम्तिहान इसके नबी से अभी मुझे पता है कि शैतान की नुमाइंदा इस वक्त ये है अगर ये खत्म हो गई तो फिर मुझे पता नहीं है कि कहां से कौन सा शैतान मेरे लिए निकल जाएगा इसलिए जो चेहरे नुमाया हो चुके हैं उनको मारने वाले की जरूरत नहीं है उनसे एहतियात करने की जरूरत है उनकी हिदायत करने की जरूरत नहीं तो इनको बाकी रखिए लेकिन इनको माशरे में इज्जत मकाम है अगर इनको माशरे में इज्जत मकाम दिया तो आप भी उसमें चलेंगे क्योंकि ज्यादातर आजमरा में आप पढ़ते हैं कि सिर्फ जिन्होंने कत्ल किया है वही लानत के मुस्तहिक नहीं है बल्कि मन समिया बिज़ालिक व रज़िया बे जिसने ये वाकया सुना हुआ और वो उस पर राजी रहा खामोश रहा वो भी लानत में होता है इसे आदत का आदर आपको पढ़ो तो मैं ये कर रहा था कि जो हालात हैं उस पर मौलाना कायनात ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 173 में बयान कर दिया फिर इरशाद हो रहा है मौला का कि इज़ा हुसिना इलैहा तहसबो यौमहा तहरहा
वो ये समय जब उनके साथ कोई नेकी की जाती है, कोई अच्छा है इनाम उनको दिया जाता है, कोई पौधा मांसा दिया जाता है, तो ये समझते हैं कि ये दिन जो है यही दहर है, यानी पूरा तो आखिर तक ऐसे ही चलेगा। ऐसा है नहीं। वशिया रहा अब रहा, और जो ये खाते हैं ना कहते वहां जाकर रोटियां तोड़ते हैं, ये जो है उनके साथ जो अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, तो ये अपना ही समझते हैं कि यही रजा हमारी हमेशा चलती रहेगी। वल्लाहे लवशे तो अन अहजरा उतरा उबरा कुल्ला रजुलिन मिनकुम बिमखरजिही। खत्म खुदा के अभी जमाने के हालात बयान कर रहे हैं, और आज भी आपके सामने बहुत सी चीजें मौला कायनात की हिदायत में वादे हैं कि वो फरमाते हैं कसम खुदा की अगर मैं जाऊं तो हर एक के बारे में बता सकता हूं कि इसका लिंक कहां से जुड़ा हुआ, मखरज कहां से है, कि कहां से आ रहा है और कहां को जाएगा, इसका बाद में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें मैं बता सकता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर इसकी अहलियत नहीं है। उसके बाद में एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कि लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम मेरे अंदर गुम हो जाओगे और रसूल की तौहीन करोगे। बहुत बड़ा जुमला है कि अगर मैंने वो चीजें बता दी तुम्हें कि तुम्हारी आइंदा की जिंदगी कैसी है, कहां जाओगे, कहां से आ रहे हो, क्या क्या तुम्हारे जहन में गुजर रहा है, किससे तुम्हारा लिंक है, कहां से राबता है, कहां से कितने डॉलर मिल रहे हैं, कहां से कितने तुम्हारा वजीफा आ रहा है, ये सब मुझे पता है, लेकिन ये मैं बता नहीं सकता तुम्हें। क्यों? इसलिए कि लेकिन अखाफु अन तकफुरा व इन्नी वक्फी बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर तुम गुम हो जाओगे और रसूल की तौहीन करने लगोगे। ख्याल ये अफगानियों और मरंगियों के लिए है कि अगर मैंने अपनी हकीकतें तुम्हें बता दी तो तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि तुम उन्हें बर्दाश्त कर सको, तुम मुझे रसूल से फिर बहा दोगे, रसूल का इनकार करने लगोगे। ये माना तो सब सारी चीजें पता नहीं होगा, इस बात का इकरार करना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला वरिनी मुफ्ती है इला खासता, लेकिन आगाह हो जाओ ये मैं अपने खास दोस्तों को जरूर बताऊंगा, सलमान आएंगे तो मैं बताऊंगा, अबू जर आएंगे तो बताऊंगा, मालिक अख्तर आएंगे तो बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने मैं इसको बयान नहीं कर सकता। जिसके अंदर वो सर्फ आमादा है, जिसकी निगाहें उस मंजिल तक पहुंच चुकी है, जो समझ सकते हैं कि रसूल क्या है और मैं क्या हूं और खुदा क्या है, उनके सामने मैं इसको तस्करा करूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने इधर नहीं। तो ये हिदायत का सिलसिला, ये हिदायत का मीनारा है जो खुदा रब्बुल आलम ने कायम किया है। तो मैंने आज आपके सामने किया कि दो तरह की हिदायतें, खुलासा करते जो लोग बाद में आए हैं, तो यहां पर एक और बात बयान करता चलूं कि मजलिस के तीन या चार हिस्से हैं कम से कम, पार्ट में एक मर्सिया होता है, एक मजलिस होती है, एक वो नौबा और मातम होता है, एक जियारत होती है, और कभी कभी पांचवां में पेशवानी हो जाती है। तो ये चार पांच चीजें हैं। अब अगर इंसान किसी मजलिस में जा रहा है तो वो ये देखे कि उस दिन वो कितने हिस्सों में गया है, उस दिन वो कितने हिस्सों में गया है। मर्सिया भी है, मर्सिया वालों की वाकई पढ़ने वालों का बहुत बड़ा ईसार है, बहुत बड़ा मर्तबा है। आज की दुनिया में जहां पर एक एक फोटो जो है बहुत अहम होता है, और हर आदमी चाहता है कि मैं शोहरत के उस बुलंदी पर पहुंच जाऊं, ये मर्सिया था आते हैं, और जब कोई नहीं होता सिवाय मलाइका और अहले बैत के, अगर जो हमारा अकीदा है उसके अलावा कोई नहीं होता, उस वक्त ये बैठकर सबको आमादा करते हैं। जब सब आ जाते हैं तो होना तो ये चाहिए कि सजी सजाई महफिल ये हासिल करें, लेकिन ये जाके त्यौहार है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये बहुत बड़ा जज्बा है इशार का। और जो जाहिर की बात है कि ये अहले बैत के ही मजालिस से सीखा जा सकता है, तो उसमें भी शिरकत
जरूरी होती है, वरना आप देखें बहुत ही वैसा है, जज्बाती होता है, फर्ज कीजिए किसी यहाँ कोई मौत हो गई है और आप उसके यहाँ जाएं और देखें कि ये अकेला बैठा हुआ है तो आपको कैसा लगे? वही पे आप कहेंगे यार बड़ी मसूलियत है, कोई नहीं किया उनके। यहाँ भी जब मजलिस होती है तो जनाब सजीदा आपकी अहले बैत के जाने वाले आते हैं, अहले बैत के अफराद आते हैं। अब अगर कोई इंसान नहीं है वहां पर तो जो पहला शख्स आता है उसको ये सोचना चाहिए कि ये इमाम हुसैन को होने के लिए सजीदा आई है, लेकिन यहाँ उनके साथ देने वाला कोई नहीं, ये जरूरी। हिदायत के अहले सजदे में आज कह रहा था कि हिदायत दो तरह की है, एक तकवीनी है और एक तशरीही है। तशरीही हिदायत को हासिल करने के लिए हमें खुद मैदान में आगे बढ़ना पड़ता है, कोई दरिया होना चाहिए, कोई रहनुमा होना चाहिए, जिसके लिए खुदावंद आलम ने 124,000 पैगंबरों को भेजा। इसके अलावा भी दूसरे नुमाइंदे खुदावंद आलम ने भेजे, सहीफे भेजे, किताबें भेजी, ताकि इंसान जो है हिदायत के रास्ते में कहीं गुलबस पे न पहुंचे, उसका रास्ता खुला रहे। हमारी तरफ से जो उसका वादा किया गया है कि इन खुदा की हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो हिदायत की जिम्मेदारी पूरे तरीके से अदा हो जाए, ये उसने इंतजाम किया। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि इसमें रास्ते में बहुत मुश्किल आती है, वहां पर इंसान आजमाया जाता है और ये आजमाइशें जब सामने आती है तो फिर इंसान दो सबों में बढ़ जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, इमां शाह के रहो वही इमां कबूल। कुछ लोग होने वाले हासिल करने के बाद, हिदायतें हासिल करने के बाद अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कुफरान नेमत करके अल्लाह के अजाब के मुस्तहक बन जाते हैं। तारीख में भी एक ऐसा वाकया आया जहां पर ये चीज बहुत ही साफ और शफाफ तरीके से दुनिया वालों के सामने रही, और वो वाकया है करबला का। करबला का वाकया इंसानी हिदायत के लिए बेहतरीन वाकया, जिस जाविये से करबला के वाकये को देखा जाए हिदायत का बेहतरीन नमूना नजर आए। अगर इल्मी लिहाज से देखा जाए तो वहां पर उस वक्त का सबसे बड़ा आलिम दानिश्वर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शक्ल में, और हो सकता था कोई इमाम हुसैन की इल्मी शख्सियत से इस उनवान से कि वो तो इमाम थे गाफिल रह जाता, तो इमाम ने एक खत लिखा हबीब इब्ने मजाहिर, और वो क्या लिखा वहां ये लिख सकते थे कि हबीब इब्ने मजाहिर तुम चले आओ, ने लिखा कि अन हुसैन इब्ने अली इला रजुल फकी, किसके लिए खत लिख रहा हूं, फकीर के लिए, आलिम के लिए, आलिम को बुला रहा हूं, जाहिलों को नहीं। जनाब जैनब ने जब सवाल किया था कि ऐ मेरे वाजह कोई आपका भी जानने वाला है, फौज की फौजें आ रही है, बराबर फौजें आ रही है, आपका भी कोई जानने वाला है जो आपकी नुसरत के लिए आ जाए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हबीब इब्न मुजाहिर वहां पे रजुल फकी का करके खिताब किया था। यानी ये बताना जा रहा है कि जब भी तुम अपने पास किसी मुश्किल में गिर जाओ, तुम्हें नुसरत की जरूरत हो, तुम्हें मदद की जरूरत हो, तो जाहिलों से वाबस्ता मत होना, आलिमों से राबता करना, हिदायत की नजीर है। शुजा के सिलसिले में बहादुरों को जमा किया, मुखलिसों को जमा किया, शब आशूर चिराग को गुल कर दिया ताकि लोगों के सामने वादे हो जाए कि मुखलिस इंसान ही आपके साथ अगर है तभी आपकी तहरीक को कामयाबी मिल सकती है, धोखेबाजों की भीड़ जमा करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जो हालात है मैंने अर्ज किया कि मुश्किलात आती है, परेशानियां आती है, दुश्वारियां आती है, और जिसका मकाम जितना बुलंद होता है उसके साथ में परेशानियां भी उतनी ही ज्यादा, उसका इम्तिहान भी उतना ही ज्यादा सख्त होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे, खलीलुल्लाह कहलाते थे,
तो उनका खुदावंद आलम ने कई तरीके से इम्तिहान, बच्चे को कह दिया कि जाइए वहां पर जाकर वाकिए बहरेजीदा में छोड़ाइए, अभी बच्चा पैदा हुआ है भूख ये हो रहा है कि इसको जाके बियाबान में छोड़ाइए, आज का इंसान कोई कबूल करेगा? बहुत सपना रखा हजरत इब्राहिम उसमें कामयाब हुए। उसके साथ साथ जब नमरूद से मुकाबला हुआ तो आपको आग में फेंका गया, और आग में हुई नहीं कि दफन फेंक दिया गया, बुलाया गया और फेंक दिया गया, नहीं, एक मैदान में लकड़ियां जमा की गई, 9 महीने तक लकड़ियों का अनुमान जलता रहा, और उसके सामने एक गुजरा बनाया गया जिसमें हजरत इब्राहिम को कैद रखा गया, और वहां से उस आग का नजारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते रहे, यही ज़हनी तौर से बराबर टॉर्चर किया जाता रहा कि तुम्हें इस आग में जलाया जाएगा। इस हद तक ध्यान, एक बार इंसान पैसे उठा के अटेंडम चेक किया जाए तो जो कुछ बीतनी है भी जाएगी उसके ऊपर, लेकिन नहीं, वहां पे ये उनको एक तरीके से मोहलत भी दी जा रही थी, अल्लाह की तरफ से आजमाई थी और नमरूद की तरफ से भी आजमाई थी, और पैगाम था कि तुम पलट जाओ वरना हम जला देंगे, तुम्हारे पास टाइम है, और अल्लाह की तरफ से ये था कि इतना टाइम है, कभी भी तुम मुनारिफ हो सकते हो, और देखना ये है कि तुम वहां तक जाते हो या नहीं जाते हो, हमारे ऊपर भरोसा है या नहीं है, हमारे ऊपर तवक्कुल करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि जो खुदा पे तवक्कुल करता है फिर वो गुमराह नहीं होता, फिर मुश्किल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो इम्तिहान किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा का कितना सख्त इम्तिहान है, अभी 9 मौजूद है, कहा जा रहा है तो सर एक लकड़ी की पेटी में रख के और दरिया में डाल दो, कौन सी मां है, अगर खुदा पे यकीन ना हो, खुदा पर तवक्कुल ना हो, खुदा पर भरोसा ना हो, अल्लाह की तरफ से उसके अंदर ईमान की कुदरत अदा ना की गई हो, तो कौन सी मां है कि अपने 9 मौजूद बेटे को जिससे वो मोहब्बत करती है उसे वो ऐसे दरिया की मौतों के हवाले कर दे, हिम्मत चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इम्तिहान। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हर तरह का इम्तिहान ले लिया, एक दो इम्तिहान नहीं दिए गए, करबला वालों से बहुत से इम्तिहान दिए गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में आ जाते हैं, मदीना और मक्के के वाकयात आपके सामने हैं, वहां पे फौजें जमा होने लगती है, और फातिमा के लाल को महफूज किया जाने लगता है, घेर लिया जाता है, और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब भी कोई वलवला उठता था, कुछ आवाजें आती थी, तो जनाब ज़ैनब फौरन बेचैन हो जाती थी और जनाब फिज़ा से कहती थी, फिज़ा जरा देख कर आओ क्या बात है, जनाब फिज़ा जाती थी और बताती थी कि फला सिपा सालार का लश्कर आया है, यजीद की फौज में इजाफा हो रहा है। जैसे ही ये खबरें बच्चों को पहुंचती थी, बीवियों को पहुंचती थी, उनके अंदर बेचैनी का जाहिर सी बात है, इजाफा होना मरती थी बात। यहां तक के एक मरतबा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इख्तियार था कि कोई हमारा भी आए। एक वलवला जब अस्हाब के मजमे में वलवला होने लगा, कुछ गुफ्तगू होने लगी, तो जनाब फिज़ा ने जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा से कहा कि फिज़ा देखो आप क्या हुआ, जनाब फिज़ा आके देखती है कि हबीब इतने मज़ाहिर आए हैं, जाके जनाब ज़ैनब खबर दी, जनाब ज़ैनब ने खुदावंद आलम का शुक्र अदा किया, और आप उनकी यानी मुश्ताक होने का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा से जनाब हबीब इब्ने मज़ाहे के लिए सलाम कहलवाया कि जाके मेरा सलाम कह दो, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहे ने वो सलाम सुना और जवाब देने के बाद फरमाया कि अहले बैत पर ऐसा वक्त आ गया कि शहज़ादी ज़ैनब मेरे लिए मेरे ऐसे गुलाम के लिए सलाम भेज रही है। ये वाकया और बढ़ता रहा आगे, रोज़े आशूर आया, रोज़े आशूर सुबह से वो हंगाम
पहले ही मरहले में 50 से ज्यादा अस्हाब और अंसार शहीद हो गए, चंद लोग बाकी बचे। उसके बाद में के बाद एक अजीज और अकारिब में से मौला से इजाजत लेने आता रहा, मैदान में जाता रहा। तारीख कहती है बस एक आवाज आती थी, कोई कहता था कि मेरे चचा मेरी मदद के लिए आइए, कोई कहता था मेरे आका मेरी मदद के लिए आइए। इसी तरीके से सिलसिला चल रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी आंखों में हाथ रखे हुए, कभी कमर को पकड़े हुए मैदान में जाते थे, कभी आला के दामन में भतीजे की लाश के टुकड़े जाते थे, और कभी जो है वो जनाब अली अकबर की लाश को लाना चाहते थे। अजीब अजीब मंजर कायनात ने और दुनिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला वालों को दिखाए। लेकिन एक शहादत ऐसी शहादत है कि जिसको वाकई इंसान जब सुनता है तो दिल तड़प जाता है और आंसू उसकी आंखों में रह नहीं सकते। वो शहादत किसकी है? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई जनाब अब्बास की। जनाब अब्बास की शख्सियत वो शख्सियत थी जिसकी जंग लड़ने की तमन्ना दुश्मनों से दिल में रह गई। आज जानते बचपन से ही जनाब अब्बास ने ये सुन रखा था कि मेरे दुनिया में आने का सबब जो है वो मेरे बाबा की वो तमन्ना है कि मैं करबला के मैदान में इमाम हुसैन की नुसरत के लिए जाऊं। जब के सिद्दीन में जब जनाब अब्बास लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते मौलाए कायनात ने जनाब अब्बास को जो छोटे थे नौजवान थे उनको वापस बुलाया। लोगों ने कहा, असहाब ने कहा कि तो बहुत अच्छी जंग लड़ रहे हैं, इन्हें आप वापस क्यों बुला रहे हैं? कहा तुम्हें नहीं पता मैंने अब्बास को करबला के लिए बुलाया। जिसने जिस बच्चे ने जंग से आके बना के पूछा कि बाबा मुझे क्यों वापस बुला लिया, मैं जंग को फतह से हम मिलान कर देगा और बाप ने कहा हो कि नहीं तुम्हें करबला के मैदान में जंग लड़नी है, वो कैसे जज्बात दिए हुए होगा। एक और बात यह है जो जनाब अब्बास से मंसूब किया जाता है कि जब आप मौलाए कायनात एक यहूदी के बाप में एक इस तरीके से तरबियत की, आप ये देखें कैसे जंग के जौहर जनाब अब्बास को सिखाए हैं कि यहूदी के बाप में निगरानी करते थे मौलाए कायनात। एक दिन जनाब अब्बास ने कहा अरे बेटा आज तुम उस बात की निगरानी करो और बहुत होशियार रहना, कोई भी दुश्मन हमला कर सकता है, कोई भी तुमसे आगे लड़ सकता है। जनाब अब्बास ने कहा नहीं बाबा आप फिक्र न करें, जो जौहर आपने सिखाए हैं मुझे सब याद है। जनाब अब्बास उस बाप की निगरानी कर रहे हैं। आधी रात गुजरती है, देखते हैं कि कोई शख्स बाप में दाखिल हो और उसने जनाब अब्बास को ललकारा। जनाब अब्बास ने उससे जंग शुरू, लेकिन जंग में वो शिकस्त नहीं पाया। जनाब अब्बास बराबर लड़ रहे हैं लेकिन उसे जेर नहीं कर पा रहे। यहां तक कि सुबह की नमाज का वक्त आ गया और वो शख्स जनाब अब्बास की पेशानी पर एक अलगस का जख्म बनाकर चला। जनाब अब्बास निकलने के बाद बैत शरफ में तशरीफ लाए, मौलाए कायनात ने शव के हालात दरियाफ्त किए तो जनाब अब्बास फरमाते हैं कि बाबा जान इस शव गुजरने के बाद एक शख्स आया और मेरे ऊपर उसने हमला किया, मैंने उसे मुकाबला किया लेकिन आखिर में उसने ये जख्म दे दिया। तो मौलाए कायनात कहते हैं बेटा मुझे रात भर तुमसे लड़ता रहा हूं, कोई और नहीं रहा तुम्हारा बाबा, तुम्हारा बाबा ये मुर्तजा था और ये जख्म भी मैंने तुम्हें दिया कि अभी और तुम्हें सीखना है। इस तरीके से जनाब अब्बास को मौलाए कायनात ने जंग के लिए आमादा किया। एक वाक्य और आपको याद दिला दूं जिसके बाद में आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब अब्बास के दिल में क्या जज्बात थे। जब
जरबत खाने के बाद मौलाए कायनात मौत से जंग लड़ रहे थे और वसीयतें फरमा रहे थे, तो एक रोज का वाकया है कि मौलाए कायनात ने तमाम अहिज़ा और अकारिब को जमा किया और उसके बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने सराहने बुलाया, हर एक को बुलाते गए और उसका हाथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले करते गए और कहते गए कि आज के बाद से तुम्हारे इमाम इमाम हसन है, ये हसन है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। एक जगह में उम्मे कुलसूम ने ये देखा कि मेरा भाई अब्बास एक गोशे में खड़े होकर रो रहा है। जनाब उम्मे कुलसूम जनाब अब्बास के नजदीक जाती है और सवाल करती है, भाई अब्बास अभी तो बाबा बाहयात है, अभी तो बाबा जिंदा है, ये रोने का सबब क्या है? तो जनाब अब्बास फरमाते हैं, उम्मे कुलसूम आपने नहीं देखा इनके बाबा ने सबके लिए वसीयतें की और सबका हाथ इमाम हसन के हवाले किया, लेकिन मेरे सिलसिले में कोई वसीयत न की। बस ये आवाज ये बात मौलाए कायनात तक पहुंची। मौलाए कायनात ने अब्बास को बुलाया, ए अब्बास यहां आओ, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। उसके बाद में इमाम हुसैन को बुलाया, कहा ए अब्बास तुम्हारा हाथ में हुसैन के हवाले दे करता हूँ, इस वजह हुसैन की हमेशा हिफाजत करना, करबला के मैदान में तुम्हें तनावत होगा। जनाब अब्बास के दिल में जनाब अब्बास के दिल में ये सारे वाकयात मौजूद है, लेकिन करबला में रोजे आशूर जब इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं और इजाजत चाहते हैं तो इमाम हुसैन मुख्तलिफ अंदाज से जनाब अब्बास को इजाजत देने से इनकार कर देते हैं। कभी कहते हैं तुम तो बनी हाशिम के लश्कर के सरदार हो, तुम्हें कैसे ले तू, तुम तो अलमदार लश्कर हो, तुम्हें कैसे ले तू। यहाँ तक के एक वक्त वो भी आ गया कि जब जनाब अब्बास आए और कहा कि आधा आधा मुझे इजाजत दे दीजिए, अभी इमाम हुसैन क्या कहे, और खुद ही जनाब अब्बास ने कहा कि अब तो लश्कर में कोई बाकी नहीं है, अब तो मैं किसी की सरदारी नहीं कर रहा, अब तो मुझे लड़ने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भी कोई चारा न था, लेकिन कुदरत का इंतजार एक मरतबा ख्याल में हुसैन से नन्दे नन्दे बच्चों की अल्लाह की आवाजें बुलंद हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास एक ऐसी आवाज है, कहा बच्चे तीन दिन से भूखे और प्यास है, कहा अब्बास ऐसी आदत में तुम लड़ने के लिए जाओगे, अरे देखो इन बच्चों के पानी की पर सबील करो। खैमे के नजदीक आए, आवाज दी, ए सकीना जाओ मर्ज लेकर आओ, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। जनाब सकीना ने बच्चों को जमा किया, खुशी और उम्मीद की एक लहर आ गई कि अब मेरा चाचा अब्बास पानी लेने के लिए जा रहा है। सारे बच्चों को जमा करने के बाद मस्जिद जनाब अब्बास के हवाले की, जनाब अब्बास मस्जिद लेके चले, जनाब सकीना मुंतजर है, ले गई आलम जा रहा है। जनाब अब्बास मेरे फरात तक पहुंचे, घोड़ा दरिया में डाल दिया, मश भरी, चुल्लू में पानी लिया, अपने लबों तक लाए, लेकिन देखने वालों ने यह देखा कि एक मरतबा अब्बास ने वो पानी झुंडा के दरिया के मुंह में मार दिया और एक शेर पड़ा जिसका मतलब ये था कि नफ्स तू चाहता है कि बगैर अपने आधा के पानी पी ले, अरे तुम पर भाई हो, जब तक उठा इनके बच्चे पानी न पीएंगे, जब तक मेरा आधा पानी न पी लेगा अब्बास पानी नहीं पी सकता। बस भाई लेकर चले, एक मरतबा जनाब सकीना ने देखा अलग आ रहा है, बच्चे उम्मीदवार हुए, लेकिन एक मरतबा ये देखा कि अलग में दर्द पैदा हुई। उधर क्या हुआ, एक शकी ने जनाब अब्बास का एक बाजू खत्म कर दिया, जनाब अब्बास ने आलम को दूसरे बाजू में थामा और आगे बढ़े। जनाब सकीना बच्चों की उम्मीदें और बढ़ती रही, एक मतलब फिर अलग में एक खतरा पैदा हुई। वह
वाकया क्या हुआ कि एक दूसरे शनी ने जनाब अब्बास का दूसरा शर्मा भी खत्म कर दिया। जनाब अब्बास के मन को सीने से थामा आगे बढ़ रहे थे। एक मरतबा और बुला ने एक तीर ऐसा चलाया इनके मश्के सकीना में बेवस्त हो गया, सारा पानी बह गया। जनाब अब्बास की आग टूट गई। एक मरतबा की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन ये क्या हुआ एक तीर आपकी आग में लगा। ज्यादा अंदाजा लगाइए, तसव्वुर कीजिए, दोनों हाथ नहीं है, आग सुन चुकी है, पानी किस तरीके से इस उम्मीद से लेने के लिए जा रहे हैं और आग में तीर पे वर्ष हो गया। जरा सी गंद आग में चली जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। ये तीर किस तरीके से आग में प्रवर्त हुआ होगा, कितनी तकलीफ होगी। जब कोई गंद आग में जाती है तो इंसान हाथ से मर के उस गंद को बाहर निकालना चाहता है। अब्बास के हाथ सदा हो चुके हैं। जहाँ खुदा जनाब अब्बास इगाले को वहां में बताते हैं कि उस वक्त मैंने चाहा तो अपने सर को झुकाऊ, दोनों घुटनों से उस तीर को निकालू, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता था। एक गोल मेरे सर पर था, बस मैं घोड़े से नीचे आया। आज हराया मेरे धर्म, आज तसव्वुर कीजिए, जब कोई इंसान किसी ऊंचाई से किसी बुलंदी से नीचे आता है तो अपने हाथों को देख लेता है। आग में तीर में वस्त है, अब्बास घोड़े से नीचे आए, आवाज दी, शर्मिंदा हूँ क्या आपके पास पानी। Thank you.